हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सो वी आर अगेन हेयर विद द टॉपिक गॉस लॉ. आज हमने लास्ट टॉपिक लास्ट वीडियो में किया था गॉस लॉ, उसकी प्रूफ. तो आज हम क्या करेंगे, हम गॉस लॉ से कूलम्स लॉ भी डराइव कर सकते हैं. तो आज हम गॉस लॉ से कूलम्स लॉ को डराइव करना सीखेंगे. बेसिकली अगर एक लॉ दूसरे लॉ को के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है तो वो लॉ गलत हो सकता है. तो हम गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ को डराइव करेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि दोनों लॉज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं. तो जब हमें प्रूफ करना होता है तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज लेंगे, प्लस क्यू, पॉजिटिव, ओ पॉइंट पे, एज यू कैन सी हियर फिगर में देखो. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके पास एक स्फीयर इमेजिन कर लेंगे, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, आर. अब जो ये क्यू है, ये वाला जो क्यू है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, रेडियली आउटवर्ड हर डायरेक्शन में. हम इनमें से कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं. सपोज मैंने ये वाला पी पॉइंट उठाया, ये ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. ओके, अब ये पी पॉइंट है, यहाँ पे हमने सरफेस एरिया लेट किया. ये सेम ही है जैसे हमने गॉस थ्योरम को प्रूफ किया था, उसमें हम कूलम्स लॉ हमें पता था, हम उसे यूज़ कर सकते थे. इसमें कूलम्स लॉ नहीं पता, इसमें वो निकालना है. एक चीज़ ध्यान रखा करो कि क्या हमें गिवन है और क्या हमें डेराइव करना है. जैसे आप इसके लिए वो भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आप थ्योरम्स करते हो मैथ्स में, क्या लिखते हो, गिवन टू प्रूव और फिर प्रूफ करते हो. सिमिलरली वही चीज़ें हैं ये भी. यहाँ पे गिवन क्या है, गॉस थ्योरम, टू प्रूफ क्या है, कूलम्स लॉ, और प्रूफ करेंगे फिर आगे हम उसे. तो इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट की भी डायरेक्शन किस तरफ होगी, एरिया वेक्टर की सेम डायरेक्शन में. इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री का. तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम क्या कहती है हमारी, दैट सरफेस क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. यूज़ कर लिया हमने ये, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री. 0 डिग्री एंगल है यहाँ पे, तो 0 cos 0 क्या होता है, 1. यहाँ से ई बार निकाल देंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है एज रिस्पेक्ट टू एरिया. तो डी एस का यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल है. अब डी एस क्या है, हमारी ये कंप्लीट सरफेस. ये सरफेस क्या है, एक स्फीयर. स्फीयर का एरिया कैसे निकालते हैं, 4πr² यहाँ पे लिख देंगे. ये आ गया E, क्या आ गया, क्यू बाय 4πε₀r². ईजी है. और फिर कूलम्स लॉ में हमें निकालनी होती है फोर्स. सपोज हम करें कि P पॉइंट पे हमारा जो चार्ज था वो क्यू नॉट रखा था, तो यहाँ पर फोर्स क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू E. तो हमारी फोर्स क्या आ गई, क्यू इंटू क्यू नॉट बाय 4πε₀r². ये हमारा कूलम्स लॉ है. अब इतना तो हो गया. जब तक किसी लॉ या थ्योरम की एप्लीकेशन, तो उस लॉ थ्योरम का कोई यूज़ नहीं है. तो हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. इसकी बेसिकली तीन एप्लीकेशंस हैं जो हमारे सिलेबस में हैं. तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन हम इसमें पढ़ेंगे इस वीडियो में, और थर्ड एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसकी. फर्स्ट एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर. क्या निकालना है हमें, इसको आधा आधा पढ़ो. एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज है, प्लस ले लो या नेगेटिव, कोई भी ले लो, प्लस या माइनस, यूनिफॉर्म है इसके ऊपर चार्ज. उसके ऊपर हमें क्या निकालना है, फील्ड निकालना है, ठीक है. अब इस पूरे का मतलब समझ में आया. अब हम क्या करेंगे, डायग्राम पे ही चलते हैं डायरेक्ट. हमने यहाँ पर क्या लिया, इस फिगर में ये एक वायर है जो बहुत लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग. सपोज करो एक वायर है जिसमें आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो ना जाने कितनी दूर से आ रही होगी. इतनी लंबी वायर है कि आप उसकी लेंथ नहीं मेज़र कर सकते, इनफाइनाइट है. लेकिन आपके उसके ऊपर फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. तो आप क्या करोगे, गॉस थ्योरम यूज़ करोगे. वहाँ पर गॉस थ्योरम यूज़ कैसे करेंगे, गॉस थ्योरम यूज़ करने के लिए सपोज़ मेरे
हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ये सिलेंडर इसका गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस कैसे? जो ये वायर है इसका फील्ड इधर इधर फैला हुआ है, इतना ही नीचे। तो इसको अगर हम ज्वाइन करें तो हमारे पास एक सिलेंडर बन जाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, आपके घर में जो सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होती हैं, अगर आप उसको एक जगह पे रखो जिसकी मतलब लिमिटेड सी रोशनी हो, तो आप देखोगे कि उसकी रोशनी एक सिलेंडर के फॉर्म में फैल रही होगी चारों तरफ, ठीक है। सिमिलरली इसका फील्ड भी सिलेंडर के फॉर्म में फैल रहा होगा। तो हम इस पे एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करते हैं। वो सरफेस किसी भी शेप में हो सकती है, डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल। जो भी हम उस पे मटेरियल ले रहे हैं उसकी शेप पे डिपेंड करेगा। यहाँ सिलेंडर सेलेक्ट कर लिया। इस सिलेंडर के तीन सरफेस है, फर्स्ट ये कर्व सरफेस, सेकंड और ये थर्ड इसका बेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे हमें निकालना है कि इसके सरफेस की डायरेक्शन कौन सी है। इस सरफेस की इस साइड डायरेक्शन होगी, इस वाले सरफेस की इस साइड डायरेक्शन होगी, और जो ये कर्व सरफेस है इसकी ऊपर नीचे हर जगह डायरेक्शंस होती जाएंगी। ऊपर वाले की ऊपर होगी, नीचे वाले की नीचे, ठीक है। कोई भी एक कंसीडर कर सकते हो आप। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा, हमेशा इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो हम उसके लिए क्या निकालेंगे, गॉस थ्योरम का यूज़ करके फ्लक्स निकालेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे हमें तीन अलग अलग सरफेस है। यहाँ पे देखें जो फ्लक्स है टोटल वो तीन सरफेसेस की वजह से है, 1, 2 एंड 3। अगर मैं बात करूँ यहाँ से फर्स्ट और थर्ड सरफेस की, इसके एन और ई में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। जब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करूँगी तो आ जाएगा कोस 90। कोस 90 क्या होता है, 0। सिमिलरली यहाँ पे तो मैं इन्हें अगर ऐड भी करूँगी तो क्या ऐड होगा, 0। तो हमें फर्स्ट और थर्ड सरफेस लेने की नीड नहीं है, हम सिर्फ सेकंड सरफेस के साथ काम करेंगे। तो सेकंड सरफेस पे गॉस लॉ लगाते हैं, वो क्या आएगा, ई डॉट डी एस यहाँ आ जाएगा। ये देखो मैंने निकाल के दिखाया हुआ है, आप लिख भी सकते हैं यहाँ से। तो हम अगर हम यहाँ पे थर्ड सरफेस की बात कर रहे, सॉरी सेकंड सरफेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेकंड सरफेस में ई डॉट एन कैप डी एस, एन कैप और ई के बीच में कितना एंगल है यहाँ पे, 0 डिग्री एंगल है। तो क्या आ जाएगा, ई कोस 0 डी एस। अब ये तो खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, ई डी एस। ई कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, डी एस क्या आ गया हमारे पास, सरफेस। अब सरफेस कौन सा है, वो सिलेंडर। सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तीनों का सरफेस एरिया ऐड होएगा। और अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाले सिलेंडर का, वो क्या होता है, 2πRL। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट और थर्ड सरफेस है वो तो इंक्लूड ही नहीं हुई। तो फाई क्या आ गया यहाँ से, ई क्रॉस ई मल्टीप्लाई 2πRL। अब हमें निकालना क्या था, फील्ड, ये फील्ड, इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, फाई बाय 2πRL। अब फाई को चेंज करना पड़ेगा, क्या लेंगे अब हम, अब देखो ये बहुत लंबी वायर थी, बहुत दूर तक जा रही, हमें ये तो पता ही नहीं कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, बट हमें ये पता है कि इसके ऊपर डेंसिटी कितनी है चार्ज की, लीनियर डेंसिटी, वो क्या होती है, क्यू बाय एल। तो क्यू कितना आ गया एक जगह पे, लैम्डा इंटू एल, जितनी लेंथ लोगे उसके हिसाब से हमारा चार्ज निकल जाएगा, ठीक है। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई किसके इक्वल होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। ऊपर से हम उसकी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, लैम्डा इंटू एल एप्सिलॉन नॉट। हमने ऊपर फाई की एक और वैल्यू निकाली हुई थी, दोनों को इक्वेट कर देंगे, यहाँ इक्वेट करके ये आ गया। यहाँ से क्या होगा, एल से एल कैंसिल हो गया, ई निकल गया, लैम्डा बाय 2πεr नॉट आर। अब देखो ये तो वैल्यू आ गई हमारी ई। सपोज करो मैंने जो वायर ली थी उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज हो सिर्फ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। तो हम बात करते हैं, सपोज हमारा लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, लैम्डा मतलब चार्ज का पोलैरिटी,
लैम्डा क्या होता है, क्यू इन टू एल, तो चार्ज की पोलैरिटी ले लेंगे यहाँ से। अगर लैम्डा बड़ा है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो वो बाहर की तरफ जाएगा। अगर लैम्डा लेस देन ज़ीरो है, मतलब क्यू नेगेटिव है, तो हमारा फील्ड अंदर की तरफ आएगा। यही बात कहते थे हम, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड पे, सेकेंड एप्लीकेशन, ये इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। ये रिपीटेडली अल्टरनेटिव ईयर्स में आ जाते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो इसे थोड़ा ध्यान से करना। हमें क्या करना है, इसमें एक स्फेरिकल शेल है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। स्फेरिकल शेल कंसीडर कर लेते हैं, एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस आर है, ज़ीरो। शेल का मतलब क्या हुआ, शेल का मतलब ये अंदर से खाली है बिल्कुल, और इसके ऊपर चार्ज है। अब जो चीज़ अंदर से खाली है उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड तो होगा नहीं अंदर तक, तो हम क्या करेंगे, इस पे तीन फील्ड निकालेंगे, एक अंदर किसी पॉइंट पे, एक इसके ऊपर किसी पॉइंट पे, और एक बाहर किसी पॉइंट पे। तीन फील्ड्स निकलेंगे इस पे, और उसके बेसिस पे हम इसका फील्ड की वैल्यू देंगे टोटल। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फील्ड आउटसाइड द शेल, सेल के बाहर निकालेंगे। यहाँ पे हमने एक शेल कंसीडर कर रखी है जिसका रेडियस आ रहा है, हमने बाहर कोई पॉइंट ले लिया पी, उसका रेडियस आर होगा, और हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी। अब स्फेरिकल के लिए तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ही ड्रॉ करोगे ना, यहाँ पे तो नहीं आप सिलेंडर ड्रॉ कर सकते, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही ई, सेम चीज़ वही चीज़ें कर रहे हैं हम बार बार। एन की वैल्यू भी बाहर, तो एन और ई के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। गॉस लॉ की एप्लीकेशन है, तो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पे। जैसे गॉस थ्योरम अप्लाई की, हमारे पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू, डीएस को तोड़ दो, डीएस क्या होता है, एन कैप डीएस, ये आ गया। ई और एन कैप में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, तो कॉस 0 क्या आ गया, 1। तो हमारे पास क्या बच गया, ई इंटीग्रल डीएस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये डीएस क्या है, डीएस है जो हमने बाहर गॉसियन सरफेस ली थी ना, जिसका रेडियस स्मॉल आर था, उस सरफेस का टोटल एरिया। टोटल एरिया कैसे निकलता है, 4πr² निकल गया। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ गई, क्यू बाय 4πε0r². कब, जब आर बड़ा है रेडियस से। सपोज करो अब हमारा यही पॉइंट सरफेस के ऊपर हो, अगर यही पॉइंट सरफेस के ऊपर आ गया, तो आर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, कैपिटल आर के, सरफेस के ऊपर आ गया। उसी में पुट कर दो क्या आ गया, क्यू बाय 4πε0r², ये मैक्सिमम वैल्यू होगी फील्ड की। फिर जितनी दूर फील्ड जाता जाएगा उतनी वैल्यू कम होगी। ध्यान रखना, चार्ज के जितनी पास आप फील्ड मेजर करोगे उतना ज़्यादा फील्ड आएगा। सपोज करो अब हमारे पास सिग्मा क्या है, सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, चार्ज बाय सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका लेंगे, जो हमारे पास चार्ज है, 4πR². क्यू आ गया यहाँ से, जो ये ऊपर वैल्यू आई थी इसमें क्यू पुट कर देंगे, 4πR² से 4πR² कट गया। E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये कब वैल्यू है, जब हमारा R सरफेस पे है, यानी कि रेडियस के इक्वल है। थर्ड है, जब हमारा फील्ड शेल के अंदर निकालना है, शेल खाली है, चार्ज बाहर है, शेल के अंदर फील्ड कितना होगा देखना पड़ेगा। तो शेल के अंदर फील्ड नहीं होगा, क्यों, अगर मैं यही फॉर्मूला उठाऊं, फॉर्मूला तो निकल चुका है मेरा, यहाँ पे आर क्या है, अंदर का कोई सर्कल लिया हुआ है, अंदर की गॉसियन सरफेस है पॉइंट। बट अब चार्ज तो बाहर है ना, इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज है नहीं, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, 0। जब मैं इस इक्वेशन में क्यू को 0 पुट करूँगी, तो मेरी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यानी कि ये कब है, जब मेरा आर किससे कम है, रेडियस से कम है। इन तीनों वैल्यूज़ को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक ग्राफ बना लेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और आर है, जो सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। अब जब तक सेंटर से रेडियस तक नहीं पहुँचता, फील्ड की वैल्यू क्या थी, 0। सपोज़ यहाँ पे रेडियस पे पहुँच गया, रेडियस पे पहुँच के वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी। उसके बाद जैसे जैसे हमारा जैसे जैसे क्या बढ़ेगा,
डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ। इसके बाद हमारी एक और एप्लीकेशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।